दिनों के बाद भाई टमाटर का स्वाद चखने को मिलेगा। दिल पे पत्थर रखे आज हम टमाटर खरीद ही लेते हैं। 13-13 साल के लड़के भाई फुल्ली बिजनेस कर रहे हैं। कलनी को भी भरने लग गई, ये लग जाना भाई मैं पता बात। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नए दिन के साथ में एक नई वीडियो की करते हैं जी शुरुआत। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी को इस पहाड़ी वाला का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत जी अपने कॉलेज से हो रही है, GIC माल देवता से। और भाई आज का मौसम देखिए आप कितना सुंदर कितना प्यारा है भाई, बहुत ही जबरदस्त माहौल है और बढ़िया वाली धूप खिली हुई है। ये देखो जिया जी हाय कर रही है, हाय। और ये जिया और आंचल है जी। काफी दिनों के बाद इतनी खूबसूरत वाली धूप आज देखने को मिल रही है, तो चारों तरफ हरियाली भी छा रखी है। बोलते हैं बल्कि जो आजकल की धूप है ना वो मच्छियों के कान को भी चुभती है, बल्कि इतनी तेज धूप लगती है। खाली महाराज जी कैसे हो जी? बढ़िया एकदम बढ़िया। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो। अरे वाह वाह वाह, गजब। आपका शुभ नाम? हरमन। हरमन भारद्वाज जी, कौन सी क्लास में आप? 11th में। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। तो चलिए जी, ये अपने सब्सक्राइबर भी हैं, कुछ नए नए बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, इस साल इनका एडमिशन हुआ है। तो चलिए जी, स्कूल टाइम समाप्त हो गया और सामने की पहाड़ियाँ तो देखो भैया आप कितनी सुंदर चमक रही है आज, क्योंकि रात में खूब सारी बारिश यहाँ पर हुई, तो एकदम बहुत प्यारे लग रहे पहाड़, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एकदम, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री हो गया एकदम मौसम। और अभी हम निकल पड़े हैं अपने रूम की तरफ। दोस्तों आज सुबह सुबह जब हम घर से निकले उस समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, यहाँ आते आते दिन आते आते एकदम बढ़िया वाली धूप खिल गई है सर। सुबह तो बारिश से बचने के लिए गाड़ी लाए थे, गाड़ी गर्म हो गई ज्यादा। अब गाड़ी इतनी गर्म हो गई, हमें भाई सीट में पानी डाल के इसे थोड़ा सा ठंडा करा तब जाके भाई बैठा जा रहा है। आजकल की धूप इतनी भयंकर तेज हो रही कि क्या ही बोले, एकदम से बिल्कुल गाड़ी भी गर्म हो जा रही है और मौसम भी बिल्कुल गर्म हो जा रहा है। और मौसम ने हमें धोखा दे दिया, हम तो कार लेके आए, नहीं तो हमारा थोड़ा बहुत पेट्रोल बच जाता है सर। पेट्रोल भी बचता और मजा भी आता बाइक में, ठंडी ठंडी हवा खा के चलते। तो खैर क्या कर सकते हैं, मौसम है वही, बदलते रहता। ये देखिए भाई गाड़ी की भी तबीयत खराब हो गई, इसको कंधे में उठा के ले जाना पड़ रहा है दूसरी गाड़ी को। ये भाई महिंद्रा TUV 300, गाड़ी की कंडीशन भी ठीक ही लग रही। ऐसा क्या गजब के नज़ारे लगे। चलो जी, मस्त हरियाली के बीच से भाई हम अब शहर के बीच में आ गए, भीड़ बचा का देखो गजब वाला। चलिए जी, विद्यालय से आने के बाद खाना पीना खाया और अभी दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं और मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा हो रखा है और सनसेट भी होने वाला है। और अभी हम तीनों भाई बहन सोच रहे हैं कि हम फील्ड की तरफ घूमने फिरने के लिए जाएं। ये देखो भाई कैसा लग रहा है, दांत अंदर करके इसके दांत ना ऐसे थे राक्षस की तरह बाहर निकल रखे थे और हमने वो अंदर करवा दिए। और मैं तो बोल रहा था एक बार दो चार बॉक्सिंग मार के अंदर कर दो। और ये देखिए जी, 3-4 दिन जो बढ़िया सी बारिश हुई ना, तो देहरादून में ये पहाड़ियाँ आपको वही कभी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अभी देखो बहुत ही सुंदर लग रही है सामने की मसूरी की पहाड़ियाँ के ऊपर जो बादल दिख रहे हैं वो तो और भी सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहता तो वो पहाड़ियाँ हमने वही साफ कभी देखी नहीं। तो चलिए जी, सूर्य अस्त भी हो गया है और अभी शाम के 7 बज गए हैं। तो ये देखिए आप सूर्य अस्त के खूबसूरत नज़ारे। अगर दोस्तों पॉल्यूशन ना हो तो अपना देहरादून भी भाई बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ से आपको पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ दिखेंगी। देखिए सामने भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, जिधर भी पहाड़ है, मतलब पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है अपना देहरादून भी। तो चलिए जी, फाइनली भाई हम फील्ड की तरफ पहुंच गए और फील्ड देखो भाई बहुत ही सुंदर है। और देहरादून में यह है जैसे ही सनसेट हुआ वैसे ही भाई रात भी पड़ जाती है और अभी हमें केवल 2-4 मिनट हुए इधर घूमते हुए। सामने हल्की हल्की लाली माँ दिखाई दे रही है सूर्य भगवान की, ये देखो पूरी ढंग से भाई सूर्य अस्त हो गया, लेकिन नज़ारे तो ज़रा देखो आप कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। हम तीनों भाई बहन भाई काफ़ी टाइम से इस फील्ड में आए थे और एक बार माँ जी और मैं भी आए थे और ज्योति भी आए थे हैं भाई, अपना घर परिवार के साथ में ऐसे घूमे फिरें तो बहुत अच्छा लगता है और अपने घर परिवार के लिए सारा सब कुछ करता है यार इंसान। तो थोड़ी देर में हम सब्जी के लिए भी जाएंगे। तो चलिए जी, अभी हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं और इस ट्रैक की याद हमें आ रही है जब गोल हुआ इस ट्रैक में 30-30 राउंड मारता था भाई हमने, अड़ची तो भाई 2-4 राउंड आज अड़ची भगवान है। मैं भी भाई 10-20 चक्कर मार ही लेता था,
लेकिन आदत ऐसी खराब हो गई, आदत आदत पे बात है, मैं दो चक्कर भी मारूंगा ठीक से मारे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों सामने देखिए भाई, आप सामने आपको मसूरी की पहाड़ियां दिख रही और लाइट चमकने लग गई बढ़िया से, और ऐसा मौसम ना भाई बहुत ही कम दिखता है देहरादून में, सावन के महीने में ऐसा आपको दिखेगा। तो चलिए जी आरती भूलिए और मैं सब्जी मंडी में आ गए हैं जी सब्जी लेने के लिए, और देखते हैं आज टमाटर के क्या रेट चल रहे हैं। तो बाकी भाई सब्जी मंडी के अंदर ही बढ़िया रेट चल रहे हैं, टमाटर सस्ते हो गए। बहुत बढ़िया जी, यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं टमाटर सस्ते हो गए, डर के मत जाओ अंदर। जय हो, यहाँ पर मिल गए जी, क्या हाल चाल है? सभी को नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। जय हो भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो? मजे में। क्या रुपए रेट है भैया? 1 किलो 50 का, 1 किलो कर दो भिंडी। भिंडी बहुत दिनों के बाद भाई टमाटर का स्वाद चखने को मिलेगा, और दिल पे पत्थर रखे आज हम टमाटर खरीद ही लेते हैं। अर्चे चलिए भाई, टमाटर खरीद लिया आज हमने कम से कम 10-15 दिन के बाद, बहुत खुशी मिल रही भाई टमाटर खरीद के। टमाटर 1 किलो 40 यहाँ कैसे है भाई? 60। अरे वाह, ये देखो भाई, ये लड़का पहचाना पहचाना लग रहा है, ये भी लग रहा है। जय हो, बंदूक ले रहे? हाँ सही बात है, जलाओ जी भाई साहब को, इधर लाओ भी मैं जलाता हूँ, इधर लाओ यार मैं जलाता हूँ, ला भाई माचिस ला। पैसे मांगेंगे भाई? चलो भाई, मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक मशरूम ली जाए। भाई साहब गए किधर मशरूम वाले, पेटी उठा के चल पड़े हर चीज। अरे आगे आगे, आधा किलो कर दो। आधा किलो कितने का है? 100 रुपए का, 4 किलो। 100 के 4 किलो हैं जी, ले लेते हैं। टमाटर तो आ ही जाएगा, लेकिन आम का सीजन चला जाएगा, इसलिए आम खाओ दबा के। ये देखो भाई, छोटे छोटे बालक लगे हुए चिल्लाने पे हैं। एज क्या है छोटू? उम्र 13, 13 साल, 13 साल के लड़के भाई फुल्ली बिजनेस कर रहे दवा के। इसको भी रख लो भाई यहाँ है झाड़ी पे, ये भी चिल्लाएगी यहाँ 100 के 4 किलो। ये हमने भाई 100 रुपए के 4 किलो आम ले लिए। ये भाई साहब बहुत भारी हो रहे। तो चलिए जी, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह खरीद के हम ले आए आज भाई, बहुत दिनों के बाद टमाटर वाली सब्जी बनेगी, तो मजा आने वाला है आज। ये देखे जी, कल्ली को भी भनक लग गई, हम आ गए भाई। मेरे पास तो आम है, आम तो आप खाते नहीं, ले फिलहाल अपनी निकाली आंखों को नीचे रखें। ये देखो दोनों को भनक लग जाती, जैसे ही खट होता दरवाजे पे। अबे 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 अबे, ये लग जाना भाई, मैं पछा बाट। बस 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 बस, अबे कुछ है नहीं मेरे पास। दोनों में कंपटीशन रहता, मैं पकड़ू इससे पहले। शांति रहा बाबा, शांति रहा बाबा, अभी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में मिलेगा सब। हेलो, ये आपका छोटा भाई है? आप मकान मालिक का बेटा है, भाई तो होगा। हेलो हाय, कैसे हो? भैया आप बहुत बोलते हो भैया, मेरे को ब्लॉग मिलो, मेरे को ब्लॉग। आप बोलो कुछ मेरी ऑडियंस को जो देख रहे हैं। आरुष जी, आरुष जी कुछ बोलिए यार। शर्म आ रही? आप बोलो, आपका नाम क्या है? आरोही सकलानी। सकलानी जी आप बोलो कुछ, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब। आपका नाम? अर्णव भट्ट जी, आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? आपको सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक भी करें। अरे वाह, देखो भाई प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घूम के आज बड़ा मजा आ रहा है। आप बोलो। मेरा नाम सिद्धिका सकलानी है। अच्छा, आप भी बोलो कुछ। बाय बाय, लाइक करो, शेयर करो। ये भाई बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन। बेइज्जती कर रहे यार तुम भी। हाँ सच्ची बात है, सच्ची बात, दिल से बिग फैन। थैंक यू, थैंक यू। तुम भी हो? अरे वाह, अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। इन बच्चों से भाई मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इन बच्चों को देख के ना मुझे भाई अपना बचपन के दिन भी याद आ गए। हम भी ऐसी इनकी तरह मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन उस समय ये सोशल मीडिया और ये यूट्यूब वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके हम खेलते थे कूदते थे। बाकी दोस्तों ये सारे छोटे छोटे बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं, और इनसे मिलके भाई अलग ही फील होता और अलग ही एहसास होता, तो बहुत अच्छा लगता है इनको मिलके। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं जी 8:30। ये जी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का रखना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड।